सलमान खान शादी नहीं करना चाहते। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? सवाल तो होंगे आपके जहन में से लेकर कि कटरीना कैफ के साथ कभी भी सलमान शादी क्यों नहीं करना चाहते थे। अब कटरीना विकी कौशल की पत्नी बन चुकी है, वो तो अब मिसेज बन चुकी है और वो मिसेज बनकर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। लेकिन सलमान खान की ज़िंदगी में कभी कटरीना जब पास कर रही थी और अब जब वो दोबारा से टाइगर 3 फिल्म में उनके साथ नजर आएंगे, स्क्रीन शेयर करती हुई, जी हाँ, जब दोबारा सलमान खान और कटरीना टाइगर 3 में एक दूसरे के साथ नजर आएंगे, तो फिर इंटरेस्ट लोगों का बना है ये जानने में कि वाकई में इनकी बॉन्ड कितनी लाजवाब होगी। तो यहाँ हमारे इस खास रिपोर्ट में आप सबको बताना चाहेंगे, रैपअप शूट चल रहा है सलमान कटरीना की फिल्म टाइगर 3 का। इन सब के बीच बड़ी ही दिलचस्प खबर आई है कटरीना कैफ के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कि कटरीना कैफ को लेकर सलमान का वो रैपिड फायर इंटरव्यू वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि कटरीना को मैरिज मटेरियल उन्होंने अपने लिए कभी नहीं चुना, वो दिल टूटा इसके बाद दोबारा दिल में वो जगह नहीं बना पाई। जब सलमान खान के बिहेवियर से तंग आकर कटरीना कैफ ने फैसला ले लिया कि वो उनसे दूर रहेगी, तो ऐसे में आप सबको बताना चाहेंगे कि कटरीना कैफ, यहाँ कटरीना कैफ जो है सलमान खान से दूर होने के बाद उनके दिल में अपनी जगह वहाँ खो चुकी थी जहाँ सलमान उसे उन्हें मिसेज बनाना चाहते थे। क्या आप सबको मालूम है करण जौहर के सामने क्रूर किया सलमान ने कटरीना को अपनी वाइफ, कभी वो सोच ही नहीं सकते कटरीना कैफ को सिर्फ दोस्त की अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हैं उन्होंने कबूल किया। तो चाहे प्रीति जिंटा से वो शादी कर सकते हैं लेकिन कटरीना उनके लिए प्रियंका चोपड़ा के बराबर है, ओवरऑल सिर्फ दोस्त है। इसके अलावा कटरीना को लेकर एक और सवाल को उन्होंने जवाब दिया, जब पूछा गया कि कटरीना के बेडरूम में आखिर आप होंगे तो आप क्या पाएंगे, उन्होंने कहा कि कटरीना ये सोचेंगी सबसे पहले आखिर रणबीर कहाँ है, यानी कि कटरीना रणबीर के पीछे पागल है और वो उनके पीछे पागल है तो ऐसे में वो मेरी ज़िंदगी में कभी मेरी मिसेज बनने लायक नहीं हो सकती। ये बात सलमान ने अपनी बातों से साबित कर दिया। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से चुटकी रिपोर्ट।